दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28x30 हाउस प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। हमारे एक पेड यूजर हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। ये चारों तरफ से दोस्तों ओपन है और इसीलिए मैंने विंडो भी चारों तरफ से दिया है, जिससे प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन इस घर का हो सके। आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहाँ मैनेज की। ये कॉर्नर पर दोस्तों इनका सेफ्टी टैंक है, तो वहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं क्रिएट कराया है, इसीलिए ओपन स्पेस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सेफ्टी टैंक है और साइड में विंडो वगैरह दिया है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन है, सामने से आप देख पा रहे होंगे। बहुत सिंपल सा और बेहतरीन सा लो बजट हाउस है ये। आपका ऊपर चारों तरफ 4 फीट का बाउंड्री और ये गुमटी है, जिससे आप स्टेयर्स के माध्यम से जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ढक दिया मैंने बरसात वगैरह के लिए। तो ये पूरा फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो ये है, ये स्टेयर्स मैंने दी है जहाँ चढ़ेंगे। ये एक गेस्ट रूम है, इस गेस्ट रूम में मैंने विंडो वगैरह सबको दे रखी है स्टेयर से, इसी को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए स्टूडियो में लगातार। मैं हूँ झगड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। और मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है और उस पेड सर्विस में आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके मैं घर क्रिएट करता हूं, लेकिन केवल पेड यूजर ही कांटेक्ट करें। वहां पर आपको पेमेंट भी 50% एडवांस देना होता है, अन्यथा आप बात ना करें, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होता है और हमारा भी। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो चलो आज का जो मॉडल है उसे हम डिस्कस करते हैं, इसके कॉस्ट वगैरह भी आपको बता देंगे कैसा क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसे जूम करके दिखाते हैं इसका ग्राउंड फ्लोर, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों। जी स्टेयर से स्लोप है, यहाँ चढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से मैंने क्रिएट किया, ये देखिए दिख रहा है, ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से। और ये विंडो है, ये पिलर्स दिए हैं मैंने। और जैसे आप एंट्री करते हो ये आपका सबसे पहले मिल जाता है एक बारंदा टाइप का, और ये स्टेयर्स, स्टेयर्स ऊपर जाएंगे फिर इधर आएंगे और टर्न होकर फिर से आप ऊपर आ जाते। देखिए स्टेयर्स ऐसे हैं, उधर से आप ऊपर आएंगे ऐसे टर्न होकर फिर से वापस चले जाते हैं। तो ये पूरी स्टेयर्स है, ये आपका बारंदा टाइप का, ये आपका गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम में 3 विंडो आपको देखने को मिल रही है, फ्रंट से, इस साइड से और इस साइड से। प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन आपको मिलेगा। ये इसका डोर है और इसमें आप गेस्ट वगैरह अपने एडजस्ट कर सकते हैं। टीवी वगैरह मैंने यहीं पर लगा दिया है। इसके बाद ये मेन डोर है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप आ जाते हैं हॉल में। अब हॉल से हर जगह एंट्री है आपका, इस बेडरूम में, साथ इस बेडरूम में, और ये आपका लेट एंड बाथ है दोस्तों कम्बाइंड, इसके लिए मैंने डोर दिया है। इस बेडरूम में बाहर से भी एक विंडो है, देखिए इस तरफ से अगर हम बात करें, और इधर से आपका एक बेडरूम है, एक गेट है। और ये आपका बड़ा सा किचन है, किचन की वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर तरीके से विंडो बाहर से मैंने दिया है। और ये डोर है, ये आपको पूरा किचन, और एक ये बड़ा सा बेडरूम है जहाँ पर आपको 2 विंडो मिलती है, एक दोनों कॉर्नर पर, ये देखिए बाहर की तरफ से प्रॉपर तरीके। ये आपका लेट एंड बाथ है, इसके लिए मैंने वेंटिलेशन के ऊपर लगभग 6 फिट पर ये विंडो टाइप का दिया है, दोनों तरफ से प्रॉपर वेंटिलेशन यहाँ पर भी होता है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है आपका, यहाँ पर एक गेस्ट रूम, बेडरूम, बेडरूम, लेट बाथ, किचन, स्टेयर्स और ये सेफ्टी टैंक कॉर्नर पर। तो ये हर जगह से मैंने देखिए गेट वगैरह दे रखा है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर इसका आप 2D मॉडल डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जिप फाइल डाउनलोड होती है। तो ये पूरा प्लान हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर दोस्तों कुछ भी नहीं, सबसे पहले रेलिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पर रेलिंग बनाई है बहुत ही सिंपल से ईंटों की रेलिंग है। ये आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने मटेरियल लगा दिया है और ये आपका स्क्वायर टाइप के रॉड पड़े हुए हैं जो बेहतरीन से आपके लुक देते हैं। ये आपका चारों तरफ 4 फिट का बाउंड्री है और स्टेयर्स को ढकने के लिए मैंने यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ें बनाई हैं। और यहाँ गुमटी, ये देखिएगा प्रॉपर तरीके से गुमटी। तो ये पूरा 28x30 में हाउस प्लान बनकर रेडी हो जाता है। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो हमें ज़रूर बताएं, साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है इसके संबंध तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस मॉडल की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एक मेरा एप्लीकेशन है स्मॉल हाउस प्लान, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके उसे यूज करें। वहाँ पर आपको सब कुछ बताया गया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल की कॉस्ट है, आपका पिलर कितना है, गेट डोर वगैरह स्लैब सबका अलग अलग कॉस्ट फाइंड आउट करके आप उसे ऐड करके घर के मकान के पूरी कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ साथ मॉडल कैसा लगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट करके, या आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मॉल हाउस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे आप अपडेटेड वीडियो लगातार पाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।